मैं पवन तले सी ए सी एस हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए कंपनी सेक्रेटरी यहीं उदयपुर में आनंद प्लाजा में मेरा ऑफिस है। कहाँ रहते हैं आप? सुभाष नगर में मकान है। अच्छा, आप, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। जरूर जरूर। वाटर हार्वेस्टिंग आपने कब लगवाया था? ये हमें देखिए, हमारा मकान बना था 99 में, तो 2005 में हमें काफ़ी जिसकी ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम था जी। और गर्मी के दिनों में कम से कम हमें महीने में 3-4 टैंकर डलवाने पड़ते थे। अच्छा। यानी कि 10 टैंकर का आप समझ लो कि गर्मी के सीजन में कम से कम 250-300 रुपये मिनिमम एक टैंकर का हुआ करता था उस समय। तो इतना एक्सपेंसिव भी होता था और दूसरा ये कि उसके लिए व्यवस्था करना, सुबह सुबह वेट करना, टैंकर वाले का नहीं आ रहा है, परेशान होना, इन सबको देखते हुए हमारे डॉक्टर पीसी जैन साहब, मामा साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक बहुत अच्छी आई हुई है, क्यों नहीं उसको यूज करते हो। तो मैंने बात उनके एकदम मान ली और इमीडिएटली मैंने वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम मैंने लगवाया। आप विश्वास नहीं करोगे, उससे नेक्स्ट ईयर जो अगली बार जो बारिश आई, बारिश के बाद जो अगला जो सीजन आया गर्मी का, उस समय वाटर लेवल इतना बढ़ गया कि मुझे उस सीजन, अगले सीजन क्या उसके बाद में आने वाले सालों में कभी टैंकर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये न सिर्फ ये अपने आराम के लिए, वरना एक अपना सोशल ऑब्लिगेशन भी है कि हम जितना पानी जमीन से ले रहे हैं बोरिंग के थ्रू उतना पानी बारिश के थ्रू हम लोग जमीन को वापस दे रहे हैं, धरती माँ को दे रहे हैं ताकि वो हमें वापस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही चीज मेरे मन में भावना आई और उसके बाद से आज तक मुझे वाटर हार्वेस्टिंग का न सिर्फ मुझे फायदा मिल रहा है, मैं आस पड़ोस में, दोस्तों में, सभी को इस चीज का प्रचार कर रहा हूँ कि वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करवाएं। और गवर्नमेंट से भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इसको कंपलसरी करे। अभी शायद 3000 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए कर रखा है, बट इट इज नॉट द एरिया विच शुड बी स्पेसिफाइड, इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन, क्योंकि सभी के फायदे की चीज है ये। मैं इसके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को पानी इजीली मिल सके, नहीं तो पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। मैं इसके आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे मन की बातें पूछी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।